एक बार फिर नियोजित शिक्षकों का दिल टूट गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया, इंतजार और बढ़ गया। लेकिन आखिर क्यों आज कैबिनेट से इस एजेंडे पर को स्वीकृति नहीं मिली? कहां पेच फंस गया? अब आगे क्या कुछ होगा? जुड़ेंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, क्या कुछ खबर है और आज की बैठक में क्यों इस एजेंडे को स्वीकृति नहीं मिली? बिल्कुल निशा, आज तो बहुत उम्मीद की जा रही थी। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बेशक ये कहा जा रहा है, हम लोगों को एक तरह से ब्लेम किया जा रहा है कि आप लोग ऐसे ही खबरें दिखाते हैं, सूत्र उत्र के हवाले से कुछ भी बोल देते हैं लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। जाहिर तौर पर एक धैर्य टूट रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है नियोजित शिक्षकों का, जो कि ये हो रहा है, बयां कर रहे हैं अपने शब्दों के जरिए। लेकिन फैक्ट यही है या जानकारी यही थी, और जानकारी बिल्कुल सटीक थी कि आज की कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों से संबंधित एजेंडे पर मुहर लग जाना था। लेकिन अंततः जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और जिन 38 से 40 एजेंडों पर मुहर लगने की बात सामने आई, उनमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। प्रस्ताव कैसे पास होता? प्रस्ताव जब तक आएगा नहीं कैबिनेट के पास, तो प्रस्ताव पास कैसे होगा? सवाल यही बनता है कि आखिर कहां पेच फंस गया है, क्यों लटक गया है मामला और आगे क्या होगा जी। तो देखिए, दो तीन कारण इसमें सामने आ रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इंतजार बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार के मन में चल रहा है, कौन सी डेडलाइन नीतीश कुमार या सरकार ने तय कर रखी है अपने जहन में कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने से संबंधित नियमावली आएगी। तो देखिए, हमने चर्चा की थी पहले भी कि कैबिनेट में आज मुहर लग सकती है। उसके पीछे जो रीजन थे वो ये था कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो 1 लाख आपत्तियां आई थी उसको शॉर्टलिस्ट करके जो कॉमन आपत्तियां थी उस पर काम किया गया था। 3-man कमेटी बनी थी, 3-man कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दे दी थी, शिक्षा विभाग ने उसको ये करके वित्त विभाग और विधि विभाग दोनों जगह फाइल भेज दी थी, वहां से भी ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी थी। अब जब सहमति बन जाती है तब जो कैबिनेट की बैठक होने वाली होती है वहां पर वो फाइल भेजी जाती है, संचिका भेजी जाती है जी। तो जो जानकारी सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक वो संचिका नीतीश कुमार के पास आया था कैबिनेट में भेजे जाने से पहले, विभाग में भेजे जाने से पहले, या विभाग में किन किन मतलब कैबिनेट में किन किन एजेंडों पर मुहर लगेगी। जब सारे वो विभाग से सामने आ जाता है तो कैबिनेट के पास आ जाता है, और कैबिनेट में कल या जब भी बैठक होने वाली है तो उसमें किन किन एजेंडों को स्वीकृति देना है इस पर अंतिम सहमति मुख्यमंत्री की बनती है। अब कई प्रस्ताव हैं जो कि आया लेकिन उनमें से शॉर्टलिस्ट करके मुख्यमंत्री उन प्रस्तावों को भेजते हैं, या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसको कहा जाता है कि इस बैठक में नहीं अगली कैबिनेट की बैठक के लिए रख लिया जाए, आज ये एड ऑन हो गया। तो जो माना जा रहा है, जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अंतिम वक्त में, लास्ट टाइम में डीए वाला जो डिसीजन है सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता देने वाला है वो तो पहले से तय था, उसमें कोई भी एक किंतु परंतु नहीं था, वो पहले से तय था कि इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी। उससे पहले वाली जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें भी चर्चा थी कि डीए वाला महंगाई भत्ता वाला पर मुहर कैबिनेट लगा देगा, लेकिन उसके बाद एक पखवारे के बाद यानी 2 कैबिनेट की बैठक नहीं हुई दशहरा और दिवाली की वजह से, दिवाली और छठ इन सब त्योहार की वजह से। तो अब की बार जो बैठक थी उसमें ये क्लियर कट था कि डीए वाला पर लग जाएगा, लेकिन एक जो विशेष राज्य के दर्जे वाली जो मांग की गई है, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, वो 1-2 दिन पहले का डेवलपमेंट है, वो लाइन जोड़ा गया है, मतलब वो संचिका कैबिनेट में मुख्यमंत्री के विशेष इस पर उसको लाया गया है और तब कैबिनेट से उसकी स्वीकृति दिलाई गई है। और जो कहा जा रहा है, हमने कई लोगों से बात की है, जानकार जो इसमें से जुड़े हुए हैं लोग उनसे भी बात की है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे भी बात की है,
तो उनका जो मानना है जो कहा जा रहा है तो कि यही है कि चूंकि ये एक बड़ा मामला था, यानी बड़ा मामला एक डीए वाला भी था जो कि होना ही होना था, उसके बाद नियोजित शिक्षक वाला था और एक ये विशेष राज्य का दर्जा वाला मतलब अंतिम वक्त में आया है जी। तो विशेष राज्य के दर्जे वाली बात कहीं मतलब सुर्खियां ना बटोर पाए, इस वजह से नियोजित शिक्षकों का जो मसला है उसको होल्ड पे रख दिया गया है अंतिम वक्त में। ये जानकारी सामने आई है कि नियोजित शिक्षक वाला मसला, डीए वाला मसला और ये विशेष राज्य के दर्जे वाला जो मसला है, तीनों चीज आज होना था अंतिम वक्त में, चूंकि ये विशेष राज्य के दर्जे वाली जो संचिता थी वो लाई गई नीतीश कुमार के विशेष स्पेशल इस पर डिमांड पर, उसको लाया गया, चूंकि जाति आधारित जनना हो चुकी है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो चुकी है और लास्ट टाइम आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा है इसको लेकर वो फिर से आंदोलन चलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे सारी चीजें करेंगे, तो इसी उसी के बाद से ये फाइल विशेष राज्य के दर्जे अब तक जो भी है जेडीयू या आरजेडी की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग चल रही थी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन आज कैबिनेट में इसको लेकर भी लाया गया। और चूंकि अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो नीतीश कुमार इसको लेकर कितना सीरियस है कितना क्या है वो पता चलता है कि उन्होंने ट्वीट भी किया, पोस्ट भी किया, लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसमें जो भी जातीय सर्वे है सारी चीजें को लेकर के जातीय आधारित गणना जो की थी और विशेष राज्य का दर्जा में कितना पैसा की जरूरत है 2.5 लाख करोड़ की, तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी आ जाएगा, सब कुछ पोस्ट किया उन्होंने, इस चीज को कहा है। तो लाइमलाइट में सरकार का ये फैसला जो डिसीजन है, इतना बड़ा डिसीजन है, वो कहीं नियोजित शिक्षकों वालों को लेकर के उसके बीच में दब न जाए, सुर्खियां ना बटोर पाए, मीडिया की का कवरेज उतना ना मिल पाए, मीडिया की लाइमलाइट उतना जितना डिजर्व करता है ये विशेष राज्य के दर्जे वाली कैबिनेट की मोहर वाली, उसमें कहीं नियोजित शिक्षक वाला ना हो जाए, इस वजह से जो जानकार है वो बता रहे हैं कि अंतिम वक्त में मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों से संबंधित फाइल को होल्ड पर रख दिया। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगली कैबिनेट की बैठक जो मंगलवार को होने वाली है उसमें फिर उसको नियोजित शिक्षकों से संबंधित फाइल को संचिका को पर रजामंदी की मुहर कैबिनेट लगाए, तो ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि इस बीच में बहुत सारी चीजें चल रही, बहुत बहाली चल रही है, बहुत प्रक्रियाएं चल रही है और वित्त विभाग पर यानी सरकार का जो बजट है वो ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, यानी जो खर्च है आय कम और खर्च ज्यादा होता जा रहा है, तो वित्त विभाग पहले से ही दबाव में है, तो वित्त विभाग मतलब सरकार चाह रही है या नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि इस बीच में जो बहाली वाली जो प्रक्रिया है जैसे सेकेंड फेज वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, जो डीए बना है तो उसमें कितना क्या लगता है कैसे इसका सरकार वहन करेगी, तो इन सब चीजों से थोड़ा निश्चिंत होकर के आराम से उसको करना ही है नियोजित शिक्षकों से, लेकिन थोड़ा सा इसको वेट करके, चूंकि इतना दिन हो ही गया है तो थोड़ा सा और वेट करना ही पड़ेगा और सब कुछ आएगा तो एकदम देर आए दुरुस्त आए की तरह होगा सब कुछ होगा। तो विधि विभाग ये वित्त विभाग से भी शायद वहां से भी चीजें नहीं निकल पाई है रजा मतलब जो सहमति होती है वो, तो दो कारण आ रहा है, दो कारण डिफरेंट डिफरेंट लोग बता रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है वो चूंकि ये पहले से तय था कि वित्त कितना बोझ पड़ सकता है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है तो फिर इसमें पेच फंसने की जरूरत नहीं है, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें दोनों रीजन बता रहे हैं, लेकिन हमारी जो समझ है हमको जो लगता है वो सब कुछ शिक्षा विभाग से वित्त विभाग से और विधि विभाग से सारी जगह से हो करके नीतीश कुमार के पास आया है और नीतीश कुमार ने अंतिम वक्त में इस चीज को होल्ड पर रखा है नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक के लिए, कमिंग कैबिनेट की बैठक के लिए, और इसको इस वाले में जो मुख्य था डीए वाला और जो विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग थी ये इसको हाईलाइट करना था, इसको अच्छे तरीके से मीडिया में पब्लिश करना था और बताना था, इसी के तहत नियोजित शिक्षकों का मामला लटक गया है ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा लगता भी है और ऐसा कहा भी जा रहा है, जो लोग कहते थे कि इस बैठक में लगी जाएगी मुहर
उनका ये भी कहना है कि ज्यादा इंतजार तो लंबा होता ही जा रहा है, धैर्य तो बनाए रखे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है चूंकि परीक्षा भी लेने की बात कही जा रही है कि दिसंबर में लेना है, तो ऐसे में अब नवंबर आखिर में भी नहीं होता है तो दिसंबर में परीक्षा कैसे ली जाएगी। तो हो सकता है कि अगली कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों से संबंधित एजेंडे पर या उनका जो प्रस्ताव है नियमावली फाइनलाइज होकर जो आई है वो नियमावली पर मुहर लग जाए, उसके बाद फिर शिक्षा विभाग बीएसईबी को प्रस्ताव भेजे और फिर प्रस्ताव के बाद एग्जामिनेशन का डेट निकले और फिर परीक्षा ले और जो पास करे उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, यही जानकारी सामने आ रही है। निशा, तो देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ यही था कि आखिर कहां पेज फंस गया, आखिर क्यों इस कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षक से संबंधी मामले पर मुहर नहीं लगी और किस कारण से नियोजित शिक्षकों का इंतजार और बढ़ गया है। तो इस पूरे चर्चा के दौरान नियोजित शिक्षक बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन एक बात है कि अब नियोजित शिक्षक को उम्मीद अगली कैबिनेट की बैठक से है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर।